नमस्कार मंच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघना सैनी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बल्दी पुलिस ने चोरी के कंटेनर समेत एक चोर को दबोच लिया। इस कंटेनर से 22 नई स्कूटी और 12 मोटरसाइकिल बरामद की है। बल्दे पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स देखने में तो सीधा साधा कोई मेहनत कश इंसान लगता है, लेकिन जब आप इसकी करतूत के बारे में सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। एक तो होता है चोर, परंतु ये शातिर तो चोरों का भी उस्ताद निकला, क्योंकि चोर चुराता है आपकी एक कार, एक स्कूटी या एक बाइक, परंतु ये शातिर तो एक ही दिन में एक दो नहीं बल्कि एक साथ 22 नई स्कूटी और 12 नई मोटरसाइकिल ही चुरा लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे संभव है कि एक आदमी एक साथ इतने सारे वाहन आखिर कैसे चुरा सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ। दरअसल ये कैंटर इन सभी नए वाहनों को लेकर अपने गंतव्य स्थल की ओर रवाना हुआ। रास्ते में चालक ने एतमादौला आगरा में ढाबे के समीप कैंटर खड़ा कर दिया, तो ये शातिर पूरे कैंटर को ही ले उड़ा। बलदेव में चेकिंग के दौरान इस छात्र ने पुलिस पर भी ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन पकड़ा गया। इस बारे में एसपी देहात ने जानकारी दी। हो गए थे ये थाना बलदेव क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक कंटेनर बरामद हुआ, जिसमें 28 एक्टिवा और 12 मोटरसाइकिल हीरो होंडा ये इसमें से मिला, और इसका ड्राइवर नरेंद्र जो इसको चलाए लिया जा रहा था, ये चोरी करके आगरा से जो वहाँ के एतमादौला थाना में मुकदमा लिखा है 1334/17 379 बाद IPC का जो अभियोग पंजीकृत किया गया है उसी का ये माल था। इसका ये वहाँ से चला है, ब्यावर राजस्थान से चला, और इसको नागपुर जाना था, तो जो इसका ड्राइवर पहले नवी हसन था, नवी हसन ड्राइवर इसको लेके वहाँ से आगरा तक आया और वो अपने घर चला गया खड़ा करके, और ये ट्रक वहीं से चोरी हो गया। जो हमारे थाना क्षेत्र बलदेव में हमारे SO बलदेव और इनके साथ की टीम ने बरामद किया, इसने इस पर थाने की गाड़ी पर मतलब जानलेवा रूप से ट्रक चला के क्षतिकारित करने की कोशिश की, तो इस प्रकार से इस पर यहाँ भी 307/41/411 मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। साथ ही इसको मौके से गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। ठीक।